आज हम आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताएंगे, यानी पार्षद अंतरनियम क्या होते हैं इसके बारे में बताएं। इसमें दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल बीबी ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे रेड के बटन में क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का बटन बगल में होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख पाए आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्षद अंतरनियम क्या होता है, यानी कि इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों अंतरनियम कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों तथा पार्षद सीमा नियम में दिए हुए विवरणों की पूर्ति के लिए बनाए गए नियमों तथा उपनियमों का उल्लेख करने वाला एक प्रपत्र है। कंपनी अधिनियम की धारा धारा 2 के अनुसार पार्षद अंतरनियमों का आशय कंपनी के उन अंतरनियमों से जो प्रारंभ में बनाए गए हों या जिन्हें पहले के कंपनी अधिनियमों के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया गया हो। प्रयोजन की परिभाषा, प्रयोजन का आशय ऐसे विवरण, प्रयोजन नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्रों से या जिनके द्वारा किसी कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों का क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। जब एक कंपनी अपने अंशों या ऋण पत्रों को जनता के द्वारा क्रय किए जाने के उद्देश्य से आमंत्रित करने के लिए सहमत होती है, तो कोई भी प्रपत्र जिसके द्वारा बिक्री का प्रस्ताव जनता के सामने रखा जाता है, कंपनी द्वारा निर्गमित किया हुआ प्रयोजन माना जाता है। तो ये प्रयोजन असाधारणता नियम कहलाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नीचे रेड के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए आप तुरंत उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप देख पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही।